ईश्वर सब और व्याप्त है, वह निरंकार है। हमारा मन अज्ञानता, अहंकार, विलासिताओं में डूबा है, इसलिए हम उसे नहीं देख पाते हैं। हम उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमारी अज्ञानता समाप्त होती है, हम अंतरात्मा का दीपक जलाते हैं, तो अपने ही अंदर समाया ईश्वर हम देख पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शीला, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सा भक्ति क्लब पर। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, भगवान बचाएगा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उसकी इज्जत करते थे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का नाम जप रहे हैं, तो उन्हें यह जगह छोड़ने की सलाह दी। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु के कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। मल्हा ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा, साधु ने उत्तर दिया। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे ज़ोर से पकड़ने का आग्रह किया, पर साधु फिर बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उनकी हट के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर वहां से चला गया। कुछ ही देर में पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुँचे और भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था, तब तुम मुझे बचाने नहीं आए, ऐसा क्यों प्रभु? भगवान बोले, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए बल्कि 3 बार आया, पहला ग्रामीण के रूप में, दूसरा नाव वाले के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में, किंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं पाए। मित्रों, इस जीवन में ईश्वर हमें कई अवसर देते हैं। इन अवसरों की प्राकृतिक कुछ ऐसी होती है कि वे किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, वे एक दौड़ते हुए घोड़े के समान होते हैं जो हमारे सामने से तेजी से गुजरते हैं। यदि हम उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लेते हैं, तो वे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, अन्यथा हमें बाद में पछताना ही पड़ता है। अगर आप सबको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो हमारे चैनल में नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।